नमस्कार दोस्तों, आप एवन बिहार देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 3 मई के बाद क्या भारत सरकार द्वारा ट्रेन को खोल दिया जाएगा, क्या आप ट्रेन पर सफ़र कर पाएंगे, क्या बस का आप अपने घर आने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर आप अपने घर के लिए फ़्लाइट का इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ इत्मीनान से अंत तक देखते रहिए और चैनल एवन बिहार पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज संपूर्ण भारत एक बहुत ही विशाल महामारी से जूझ रही है जो कि एक इतना खतरनाक है कि लोग इससे परेशान हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बार बार निर्देश दिया जा रहा है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी इतना खतरनाक है कि किसी के छूने से ही ये फैल जाता है। दोस्तों, अगर इसके केस की बात करें तो रोज़ ये बढ़ता ही जा रहा है और पिछले से कई ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ते जा रहा है। इसमें संभावना बहुत कम है कि इन सब चीज़ों को हटाया जाएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर की माने तो ट्रेनें 3 मई के बाद से रेलवे द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार चलाया जाएगा। मतलब अगर 3 अप्रैल के बाद अगर आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शर्त के बाद आप ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए कि ट्रेन को खोल दिया जाए तो आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ नए नियम हैं जिसका आपको पालन करना होगा। सबसे पहले अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको 4 घंटा पहले जाना होगा, जिसमें आपका पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप नहीं होते हैं तो आगे की प्रक्रिया आपको करनी होगी। तब आप जाइएगा टिकट काउंटर पर टिकट लेने। उस समय आपको कुछ शुल्क देके मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव्स जैसे चीज़ों को खरीदना होगा, जो कि आपके साथ साथ अनेक लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होगी। उसके बाद अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण पालन कराया जाएगा। और फिर आप अगर ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो जिस ज़िले में कोरोना पॉजिटिव लोग होंगे, जैसे कि बिहार के सिवान में हैं, तो सिवान में ट्रेन नहीं रुकेंगी। इस तरीके से जितने ज़िले में अगर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वहां पर ट्रेन नहीं रुकेंगी और वहां पर लोगों को उतरने के लिए अगले स्टेशन का इंतज़ार करना होगा। संपूर्ण गेट को बंद कर दिया जाएगा जिससे लोग बाहरी लोग उसमें नहीं चढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर थी जो 3 अप्रैल के बाद से लागू की जाएगी अगर सब कुछ सही रहता है तो। दोस्तों, अगर जैसे ही कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आपको एवन बिहार पे दिखाया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एवन बिहार। सुनाइए था।